मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस टुडे इज योर डे 8th ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। आज आपकी ऑनलाइन क्लासेस का 8वां दिन है। सो आज हमारी हिंदी की क्लास का टॉपिक है जरूरी काम की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। जो आपने अब तक किया भी होगा जरूरी काम के लिए प्रार्थना पत्र जो आप लिखते हो वही है ये। हाँ जी, सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अपनी FNB ओपन करनी है और अपनी ये फाइल ओपन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको जहाँ आपने लास्ट क्या लिखा है, मेरा प्रिय अध्यापक लिखा है, उसके नेक्स्ट पेज पे आपको ये लिखना है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऊपर सबसे पहले डेट डे मेंशन करनी है, लेफ्ट हैंड साइड पे डेट और राइट हैंड साइड पर डे, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, जरूरी काम की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। जो आपकी फाइल में हेडिंग बनी हुई है वही सेम टू सेम आपको हेडिंग बनानी है, जरूरी काम की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। हाँ जी, उसके बाद आपको ये स्टार्ट करना है, जैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्ट करते हो सेवा में, वैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक इंडियन माउंटेन स्कूल फतेहाबाद। विषय जरूर लिखना है अपनी FNB में, आप लिखना भूल जाते हो बहुत सारे स्टूडेंट्स। और मात्राओं का स्पेशल ध्यान रखना है, जो मात्राएं इसमें लगी हुई है फाइल में आप बहुत देख के लिखोगे और वही आपको अपनी FNB में लगानी है। बुखार में अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, पॉज करना। हाँ जी, विषय, यहाँ हमारा विषय आप अपने फेयर नोटबुक में थोड़ा देख कर लिखना। यहाँ हमारा विषय है जरूरी काम की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, या बट यहाँ पर लिखा हुआ है बुखार में अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो आप बुखार में अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र नहीं लिखोगे, आप लिखोगे जरूरी काम की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, ये आपका विषय होना चाहिए। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है महाशय, नेक्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, महाशय। फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपको, जैसे कि आप नया पैरा स्टार्ट करते हो वैसे आपको करना है, निवेदन यह है कि मैं कक्षा 4th का छात्र हूँ, और थर्ड वाले लिखेंगे मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। आज मुझे घर पर एक बहुत जरूरी काम है जिसकी वजह से आज मैं विद्यालय नहीं आ पाऊंगा, लड़कियां लिखेंगी नहीं आ पाऊंगी। अतः आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपा मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, कक्षा, अनुक्रमांक, जैसे कि आपको मैंने बताया ही था अनुक्रमांक क्या होता है, रोल नंबर और दिनांक, ठीक है। आपको ये अपनी FNB में कंप्लीट कर रहा है बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, और ये आपका वर्क जैसे कि आपको पता ही है कि कभी भी चेक हो सकता है। सो डू योर वर्क प्रॉपरली। थैंक यू स्टूडेंट।